बालको ने छत्तीसगढ़ शासन के पशु चिकित्सा विभाग के सहयोग से अपने गोद लिए गांव में पशु टीकाकरण अभियान चलाया। इनमें 400 से ज्यादा पशुओं को टीके लगाए गए और 17 बीमार पशुओं का इलाज किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीणों को पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित जानकारी भी दी गई। बरसात के मौसम में कृषि कार्य में सहायक पशुओं पर गलघोंटू और खुरहा जैसी अनेक संक्रामक बीमारियों के आक्रमण का खतरा होता है, जिससे किसानों को जुताई बुनाई के कामों में काफी परेशानी होती है। इन समस्याओं से किसानों को निजात दिलाने के लिए बालको के सामुदायिक विकास विभाग और छत्तीसगढ़ शासन के पशु चिकित्सा विभाग की ओर से बालको के गोद लिए गाँव में पशु टीकाकरण अभियान चलाया गया। इसका लाभ बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उठाया। पशु चिकित्सा विभाग के उपनिदेशक श्री एस एन सिंह के मार्गदर्शन में पशु चिकित्सक डॉक्टर मयंक गोस्वामी और उनके सहयोगियों ने ग्रामीणों को शासन की ओर से दी जाने वाली अनेक सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए किसानों को कृत्रिम गर्भाधान के तरीके बताए। विशेषज्ञों ने ग्रामीणों को बताया कि इससे पशुओं की आगामी नस्लों में दूध देने की क्षमता 4 गुना। बालको के सामुदायिक विकास विभाग के प्रमुख श्री आर के खेर ने बताया कि सहभागिता के आधार पर प्रबंधन की ओर से क्षेत्र के किसानों के हित में अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने ग्रामीणों से शिविर का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। इस मौके पर बालको के सामुदायिक विकास विभाग के अधिकारी और कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित।